हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि सभी को इन वीडियोज़ का बेनिफिट मिल सके। चाहे आप स्मॉल लेवल पर प्रिपरेशन कर रहे हों या चाहे आपका हायर लेवल हो, इसके अंदर सभी टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। एंड चाहे आप बैंक के प्रिपरेशन कर रहे हों, एसएससी कर रहे हों, कोई टीचिंग एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट हो, इवन यूपीएससी भी हो, दीज वीडियोस विल प्रूव वेरी हेल्पफुल टू यू, सो मस्ट वॉच। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट हाउ मेनी टाइम सुषमा स्वराज हैव बीन इलेक्टेड एज अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट। सुषमा स्वराज जिनका अभी देहांत हुआ है कुछ दिन पहले ही, एंड वो कितने टाइम एमपी चुनी जा चुकी हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 3, 5, 6 और 7। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, एंड वो 3 बार राज्यसभा एंड 4 टाइम्स लोकसभा के थ्रू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिलेक्ट की जा चुकी हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच म्यूजियम हैज़ एंटर्ड द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर बिकमिंग द मोस्ट विजिटेड म्यूजियम इन इंडिया। इंडिया में वो कौन सा म्यूजियम है जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जिसका नाम दर्ज कराया गया है कि यहाँ सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिटेड म्यूजियम है। इज़ इट लाल भाई दलपत भाई म्यूजियम, सलरगंज म्यूजियम, कुवासजी जहांगीर हॉल और विरासत ए खालसा म्यूज़ियम। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ये आपका पंजाब में है, पंजाब विरासत ए खालसा म्यूज़ियम, एंड इसने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई है फॉर द मोस्ट विजिटेड म्यूज़ियम इन इंडिया। एंड यहाँ पर डे सिंगल डे 20,569 विजिटर्स जाते हैं। सो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, एंड जो भी नेक्स्ट एडिशन आएगा उसके अंदर ये बात छपी जाएगी। विच एक्टर गॉट बेस्ट एक्टर अवार्ड इन नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019। सो नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 के अंदर कौन से एक्टर्स हैं जिन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान खुराना एंड विकी कौशल, बिकॉज इन्होंने एक फिल्म में इनको फीचर किया गया था, यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसके अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया ने की थी पाकिस्तान पर, वो निर्देश की गई थी एंड बनाई गई थी। सो वो फिल्म आप भी ज़रूर देखें, एंड उसके लिए इन दोनों को अवार्ड दिया गया है, नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो 370 मिलियन, मतलब ये अंदाजी वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है, 90 कंट्रीज़ के अराउंड 370 मिलियन इंडिजीनियस पीपल इसको बनाते हैं। एंड कब बनाते हैं? वर्ल्ड ट्राइबल डे पर, एंड वर्ल्ड ट्राइबल डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 9th अगस्त। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FPI? FPI का फुल फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब फॉरनर्स अपने पैसे इन्वेस्ट करें हमारी कंट्री के किसी बैंक में या स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट्स में, सो उसे कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 100 इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट? सो शबनम गिल, हनुमा विहारी, वृद्धिमान साहा और श्रेयस अय्यर। सो द करेक्ट आंसर इज शुभमन गिल, एंड ये यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास डबल सेंचुरी मारी है, एंड विद स्कीपर हनुमा विहारी। तो ये स्कीपर हैं जिन्होंने इंडिया को, मींस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जब वो खेल रहे थे, तो इनके साथ मिलकर इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 100 की सेंचुरी मारी। तो शुभमन गिल इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज़ टू प्रोमोट द इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी टू इंश्योर द ग्रोथ? सो वट इज़ द करेक्ट आंसर? फेम, राइज, NPRT और EAHV। सो द करेक्ट आंसर इज़ फेम। फेम जो है इंडिया का, उसके थ्रू ग्रोथ करने की कोशिश की जा रही है इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी अपनाकर, एंड फेज़ 1 के अंदर 2015 से ही
फेज़ वन जो आपका 2015 से शुरू हो गया था, यहाँ पर एडॉप्शन की गई एंड मैन्युफैक्चर किए गए इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, एंड 2019 से शुरू होने जा रहा है फेज़ सेकंड, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोबिलिटी भी बढ़ेगी. नाउ विच मूवी गॉट द अवार्ड ऑफ बेस्ट फीचर फिल्म इन नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019? सो जो बेस्ट फीचर फिल्म है वो यूरी नहीं है, बेस्ट फीचर फिल्म है हिलारो. सो ये गुजराती फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है अभिषेक शाह ने. विच मिनिस्टर लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ रोजगार समाचार? रोजगार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ अब इंग्लिश में भी आएगा, एंड ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है विद द एम, ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, चाहे कोई कंपनी हो, बैंक हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2019 एडिशन ऑफ 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस? सो इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखाती हूँ. द करेक्ट आंसर इज डिजिटल इंडिया, दैट इज सक्सेस टू एक्सीलेंस. एंड लेट मी शो यू, मेघालय के अंदर, इन मेघालय 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, एंड इट वॉज हेल्ड एट शिलोंग ऑन अगस्त 8 to 9, जिसकी थीम थी डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंट. एंड इसे इनॉग्रेट किया यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉन्ग्रेड के संगमा ने. एंड ये जो कॉन्फ्रेंस है 100 डेज इनिशिएटिव्स लेकर चली है, एंड ऐसा पहली बार हुआ है जब हमारी कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न, दिस इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कुछ इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है. So here we have come on the last question, that the first among the P5 countries to say that revocation of Article 370 is an internal matter of India. आप सभी को पता होगा कि Article 370 scrapped हो चुका है. चैनल पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी कि आर्टिकल 370 ख़त्म होने से कश्मीर पर क्या क्या असर हुआ है एंड क्या क्या चेंजेस होंगे. नाउ जो P5 कंट्रीज़ हैं उनमें से एक पहली कंट्री जिसने फॉर्मली ये कहा है कि अगर हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करते हैं, उसे स्क्रैप करते हैं, तो ये इंडिया का इंटरनल मैटर है एंड किसी और को इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज़ रशिया. रशिया वो पहला P5 नेशन बना है जिसने ये बात कही है, एंड मॉस्को ने भी ये बात कही है कि इंडो एंड पाक, इंडिया एंड पाक जो है वो अपने ये जो डिफरेंसेस हैं इन्हें खुद मींस रिजॉल्व करने की कोशिश करें, चाहे फिर वो शिमला एग्रीमेंट हो या फिर वो आपका वो लाहौर डिक्लेरेशन हो. सो द करेक्ट आंसर इज रशिया. सो थैंक यू सो मच. वी हैव कवर्ड द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ today, and if you have any doubt related to any question, please write down in the comment section. We would love to solve that, but please share. Aap share zarur kare. So thank you so much.